फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरठ वासियों ने प्रधानमंत्री को एक सुनहरा तोहफा दिया है। इस तोहफे में कोई वस्तु नहीं बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान में सहभागीदार बनकर लोगों को जागरूक करने का एक संकल्प दिया गया है। महावीर एजुकेशन पार्क संस्थान द्वारा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पद यात्रा का मूल उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना रहा और ये रैली महावीर एजुकेशन पार्क पोहली से कंकरखेड़ा, गांधी बाग, बेगमपुल होते हुए मेरठ कमिश्नरी तक पहुंचे, जहां इसका समापन करते हुए छात्रों ने स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशाल रैली निकाली। आपका नाम? मिर्जा खानम। मिर्जा, ये बताओ कि आज आपने ये फोटो क्यों लगाया? क्योंकि आज मोदी जी का जन्मदिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या संदेश दिया है लोगों को? यही कि स्वच्छता रखें और अपने आगे आसपास सफाई रखें, अपनी अपने मन की स्वास्थ्य रहें। कितने किलोमीटर की पदयात्रा की आपकी पैदल और कितनी सफाई करते हुए लोग आपके साथ चले? हमने करीब 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। हमारा जहाँ पे कॉलेज था, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट था, वहाँ से और यहाँ तक कि डीएम के ऑफिस तक हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। और हम जहाँ भी हमने कहीं गंदगी देखी है, हम सब चीज़ें साफ करते हुए आ रहे हैं। लोगों का सहयोग मिला? हाँ जी, बिल्कुल सहयोग मिला है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज उनका जन्मदिन है। और जैसा कि वो हमारे समाज के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो आज उनके अगर वो ना होते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है कि अगर वो सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं तो हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। जागरूकता के इस अवसर पर संस्थान के करीब 2,200 छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान छात्रों ने सड़क पर झाड़ू लगाते हुए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि सड़क पर यात्रा करते हुए अपनी गाड़ियों से कचरा बाहर ना फेंके, साथ ही पॉलिथीन का इस्तेमाल भी ना करें। पद यात्रा के दौरान छात्रों ने स्वच्छता संदेश देने के लिए अपने हाथों में तख्तियां थामी और जन जन को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं ना विक्रांत यादव, डायरेक्टर एडमिन महावीर एजुकेशनल पार्क मेरठ। ये प्रोग्राम आज जो रैली निकाली है जी, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्वच्छता का है सर। स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा जो मोदी जी ने दिया है, उसके उपलक्ष्य में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हमने एक स्वच्छता कार्यक्रम रखा है। ये हमारे ग्रुप में लगभग 1500 बच्चों का है। ये लगभग 500 हमारा स्टाफ इसमें रहा। लगभग 2000 से लेकर 2500 तक का गैदरिंग हमारी रही है इस कार्यक्रम में। और लगभग 10 किलोमीटर कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से और अपने यहाँ कमिश्नरी चौक तक ये हमने मार्च निकाला है स्वच्छ अभियान पर। और इसमें सबसे बड़ा अभी मोदी जी ने नई मुहिम चलाई है प्लास्टिक मुक्त भारत, उसका उद्देश्य हम देना चाहते हैं कि हमें अपना भारत, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को प्लास्टिक मुक्त करना है। स्वस्थ भारत का अभी हमें सपना जो मोदी जी ने दिखाया उसको साकार करना है। इस अवसर पर महावीर एजुकेशन पार्क संस्थान के पदाधिकारियों ने जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है और देश में साफ सफाई का ध्यान हम सभी को जागरूक होकर रखना चाहिए। साथ ही संकल्प लिया कि पॉलिथीन का हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, कचरा कूड़ेदान में फेंकेंगे और समाज एवं परिवारों को सफाई के प्रति लगातार जागरूक करते रहेंगे। जगह जगह सड़कों पर सफाई करते हैं आ रहे हैं, जगह जगह जहां हमको पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे कि गंदगी जहां सड़कों पर थी वो सफाई करते हुए हमारा ये एक मैसेज समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए, हमारे देशवासियों के लिए कि हम एक ऐसा ये मैसेज देना चाहते थे इस माध्यम से कि हम जो सड़कों पर अपने आप स्वयं कई बार अपनी चीज़ों को जो वेस्टेज है उसको गिरा देते हैं गाड़ियों से चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, वो ना गिराएं और सड़कों को भी हम स्वच्छ रखें। जिस प्रकार से हम अपने घरों को, अपने आसपास पड़ोस में मंदिरों को साफ रखते हैं, उसी तरह की तरीके से अगर हम अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल उन्होंने की है तो उनके साथ हम अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और निश्चित तौर पर ये देश, हमारे देश के शहर
गांव सभी साफ सुथरे रहेंगे और एक हम स्वस्थ और स्वच्छ श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से साथ देंगे। और सभी मेरा देशवासियों से ये निवेदन है और ये एक मैसेज है कि सभी इस प्रकार से साफ़ सुथरा रखें अपने शहरों को, अपने गांवों को, अपने गली मोहल्लों को। तो इसी ये हमारा एक मैसेज है और ये हमने अपने संस्थान के सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके साथ और मैंने अपने संस्थान के जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ ये कार्यक्रम बनाया और वो सफल भी हुआ है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जितना सुंदर बना है उतना ही हमारे शहर गांव और मोहल्ले कॉलोनियां सुंदर बना है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर निकाली गई स्वच्छता के लिए जागरूक करने की ये पद यात्रा काफी सफल रही और संस्थान के सभी अध्यापक और छात्र छात्राओं ने मौजूद होकर एक सफल कार्यक्रम को अंजाम दिया। इजाजत दीजिए ऐसी ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए, बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।